खबर है ग्वालियर से। ग्वालियर में एक फुफेरे भाई ने शादी का वादा कर बहन को पति के घर से बुला लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वह जल्द तलाक कराने और शादी का वादा कर उसका शोषण लगातार करता रहा। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया। उसके बाद पीड़िता थाने पहुंची और उसने मामले की शिकायत की। घटना माधवगंज इलाके की है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र के नादरिया की माता मंदिर के पास गुढ़ निवासी 20 वर्षीय महिला ने शिकायत की है कि उसकी शादी से पहले बातचीत फुफेरे भाई आनंद से होती थी। जब इसका पता परिजनों को चला तो उन्होंने उसकी शादी बैराल निवासी युवक से कर दी। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो आनंद ने उससे शादी का वादा कर बुला लिया और उससे वादा किया कि वह उसका तलाक करा देगा। ससुराल से आने के बाद पीड़िता मायके पहुंची तो पिता ने उसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया, तो आनंद उसे अपने घर ले गया और उसके साथ शादी का वादा कर गलत काम करता रहा। इसके बाद भी उसके साथ वादा करते हुए वो शोषण करता रहा। जब उसने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी अपने वादे से मुकर गया। धोखे और उत्पीड़न की शिकार पीड़िता थाने पहुंची और उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह वर्धमान ने बताया कि युवती के रिश्ते में लगने वाले भाई ने ही उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जबकि उसकी शादी हो गई वो फिर भी नहीं माना और उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। युवती ने शादी का दबाव बनाया तो वह शादी करने से साफ मुकर गया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। मैं शिकायत की गई थी, उसमें आरोपी हालांकि कहीं न कहीं रिश्तेदार है लेकिन उनका पूर्व में संबंध था। संबंध का जब घर वालों को पता चला तो उस लड़की का विवाह जो है कहीं और कर दिया गया। पति ने शायद उसको इसी कारण से रखा नहीं और या और बीच में इस दौरान जो है पति के साथ रहते हुए ही ये जो आरोपी है, आरोपी के द्वारा उसको बार बार ये कहने का प्रयास किया जाता रहा कि तू पति को छोड़ के मेरे पास आ जा, मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा और पति से तेरा तलाक भी करा दूँगा और हम पति पत्नी के रूप में रहेंगे। इस तरीके से उसने शादी का झांसा दे करके अपने पास बुला लिया और शादी की बात करती है तो वो शादी का टाल मटोल करता रहा और ज़्यादा जब उसने शादी के लिए कहा तो उसको जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी के खिलाफ धारा 376 और 376(2)(n), 506 के तहत FIR पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।